जैसे ही फल तोड़ लेते हैं उसके बाद बगीचे की सफाई करें, फिर जुलाई के महीने में आप जो है पेड़ का पोषण करें, समुचित ढंग से पोषण करें। पोषण में आप जो है उसमें खाद डालेंगे, खाद में कंपोस्ट होगा। 10 से बड़े उम्र का अगर पौधा है तो लगभग 50 केजी कंपोस्ट, इसके साथ ही जो एक साल की मात्रा है लीची की जो एक साल की मात्रा है उसके हिसाब से आप 700 से 800 ग्राम नाइट्रोजन, फिर 400 से 500 ग्राम फास्फोरस और 800 से 900 ग्राम पोटास की मात्रा सालाना एक प्रौढ़ लीची की आवश्यकता होती है। लेकिन इस मात्रा की 3/4 भाग हम जुलाई अगस्त महीने में देते हैं पोषण में, और 1/4 भाग मैंने पहले भी बताया है और आज भी बता रही हूँ, 1/4 भाग आप अप्रैल के पहले सप्ताह में दें जबकि पौधे में दाना लगना शुरू हो जाता है या दाना लगने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, सारे फूल झड़ जाते हैं। तो 3/4 भाग जो है फल की तुड़ाई के बाद आप जुलाई और अगस्त महीने में दें, जो मात्रा मैंने बताया वो एक साल का मात्रा है उसका 3/4 भाग जुलाई अगस्त के महीने में दें और 1/4 भाग आप अप्रैल के महीने में दो। अगर इतनी प्रक्रिया आप करते हैं तो आपका आने वाले समय में फल पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे, ज़्यादा फूस पुष्प लगेंगे, ज़्यादा फल आएंगे और आपकी आमदनी बढ़ेगी।